हाय शैली गुजरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हमारे यहाँ है हल्दी का फंक्शन बच्चों का, तो आज मुझे वहाँ जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी मैं काम करूँगी जिससे कि मैं टाइम से पहुँच सकूँ, टाइम से मैं वीडियोस वगैरह बना सकूँ। और देखिए हमारे यहाँ कैसे रीति रिवाज है, रस्म रिवाज है, मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और किस तरह से हमारे यहाँ के लोकगीत हैं, जिस टाइम बच्चे को हल्दी लगती है तो उस टाइम वो जो गाए जाते हैं, इस तरह के मैं आपके सामने वो वीडियो आपके लेके आऊँगी। तो आप ज़रूर उसे इधर, मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। आज मैंने बनाया है सूजी बेसन का चीला। आज मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट में चीला। चाय और चीले का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत टेस्टी लगते हैं दोनों चीज़ें। मैं बना रही हूँ बनाना शेक, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ शाम के लिए। क्योंकि मुझे टाइम से पहुंचना है तो मैं फटाफट इसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके, और आज मैं कोई काम नहीं करूँगी, मेड अपना काम करके चली जाएगी। और मैं ये नट्स नट्स डालूँगी जो मैंने आपको दिखा के रखा है। अच्छी है
बताओ किससे? राजेंद्र दीदी गब्बर सिंह है पूरी, सब डरते हैं इनसे। अच्छा दीदी आप ये बताओ आपको कौन सी भाभी अच्छी लगती है? वैसे तो सारी भाभी अच्छी है पर सबसे सुंदर सबसे अच्छी सहेली भाभी है। अच्छा अच्छा सुंदर तो ये रही है एक हमारी? नहीं ये भी सुंदर है, ये तो गुस्सा हो रही है। क्यों भाई? और एक हो रही सुंदर छोटी है ना जी। मैं हूँ सर कौन सा तो भाई है आ जाओ।
वीडियो बनाना है मतलब। पर लिख कर दो, पर लिख कर एक बार बना रही है प्रवेश की गिनती रही अपना सारी कही है तो सारी भाभी फेवरेट है। हाँ जी करते रहे सारे दिन एक बार भी नौकरी न करें लत्ती डाल।
बहुत इज्जत करती है, बहुत अच्छी हमसे बीवी कहती है। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ।
इधर इधर भैया आज हमारा खाना यहीं पर है, आज हम यही खाना खाएंगे। हमारे लिए स्पेशल हमारी बहन ने प्याज लहसुन बिना प्याज लहसुन के बनवाया है, तो इसलिए हम खा रहे हैं। यहाँ पर ये जो लड़कों की ससुराल की तरफ से लड़की वालों की तरफ से जो आता है मिठाई और फ्रूट्स वगैरह, वो पहले भगवान के भोग के लिए निकाली जाती हैं और उसके बाद अपने परिवार में इसको बांटा जाता है। तो यहाँ ये हमारी बहन जी कर रही हैं ये काम, इस काम में ये आगे रहती हैं, इनको सारा कुछ पता रहता है। और जो हमारे परिवार की चाची ताई और बड़ी बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके सामने ही इनको खोला जाता है और वही ये डिसाइड करते हैं कहाँ कैसे क्या करना है।